फ्रेंड्स, मैं नीतीश कुमार, आप सभी को मेरा फोकस पॉइंट चैनल में स्वागत है फ्रेंड्स। तो आज मैं बताऊंगा अपने आधार से लेबर कार्ड कैसे देखें। वेरी सिंपल फ्रेंड्स, बहुत इजी, आप खुद से देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए मैं आपको स्टार्ट करके दिखाऊंगा। पहले खोलते हैं गूगल फ्रेंड्स, तो ओपन करते हैं गूगल ब्राउजर, जाइए अपना। देखिए मेरा गूगल ओपन हो गया, तो मैं सर्च करूंगा फ्रेंड्स जिसको वेबसाइट है सो, तो वेबसाइट लिखते हैं फ्रेंड्स www.sharmadhan.jharkhand.gov.in पे। देखिए आगे फ्रेंड्स ये वाला है, ये भी जो भी आप इसमें मेहनत किए हैं पहले, इसलिए पहले आ गया फ्रेंड्स, तो मैं इसीलिए इसको मार देता हूँ, डायरेक्ट खुल जाएगा। आप क्या करिएगा, जैसे अपना जब लिखते हैं शर्मा धान, देखिए हम आपको एक मिनट टॉप अप करके थोड़ा दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। देखिए शर्मा धान हम सर्च किए, तो देखिए इस टाइप से आएगा फ्रेंड्स, इस टाइप से आएगा, तो आपको कुछ नहीं है, शर्मा धान गवर्नमेंट और झारखंड पे चल जाइएगा फ्रेंड्स, तो देखिए खुल गया, ऐसे भी खुल गया वैसे भी खुल गया। तो चलिए आप ले लेता हूँ यहाँ वाला। तो यहाँ जाने के बाद फ्रेंड्स, तो आपको एक चीज़ तो करना होगा फ्रेंड्स, आप आधार कार्ड से चेक कर रहे हैं, आधार कार्ड से अपना लेते हैं जो सरम विभाग से बनता है वो, तो उसके लिए आपका एक चीज़ देखिए यहाँ लॉगिन लिखा हुआ है, लॉगिन पे साइड में देखिए यहाँ क्लिक करिए, इस टाइप से आएगा, आपने बोलेगा यूजर नेम डालिए या पासवर्ड डालिए। तो मैं तो इस पहले वीडियो में पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री करके सारा डिच बता दिया हूँ, पहले देख लीजिएगा हाउ टू लेवर में, हाउ टू मेक लेवर कैसे बनाते हैं सब, तो उसमें हम तो बताऊंगा ना फ्रेंड्स। लेकिन बाद देखें रजिस्टर हेयर, यहाँ जाइएगा तो यहाँ सब रजिस्टर अपना रजिस्टर हेयर कर सकते हैं, मतलब यहाँ से यूजर आई डी बना सकते हैं। देखिए नाम, नाम लास्ट नाम, ईमेल आई डी नया यहाँ बनाना होगा, मोबाइल नंबर, यूजर नेम, पासवर्ड यानी कन्फर्म पासवर्ड, कोई अपना पासवर्ड मोबाइल नंबर वगैरह रख सकते हैं, यहाँ डालिएगा से यहाँ डालिएगा एक ही चीज होगा, और कैप्चर में ये वाला नीचे से यहाँ भर देना है आपका, और यूजर नेम जो भी अपना शॉर्ट नेम यहाँ रख लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, और मोबाइल नंबर अपना डाल दीजिएगा, ईमेल नया है कोई जोड़ लेना है, जैसे नीतीश है मान लीजिए नीतीश कुमार राज 82, तो ही मोबाइल नंबर डाल के @gmail.com बना सकते हैं नया तरीका से, और लास्ट नेम कुमार, यहाँ पर जो है विजय ना है तो विजय कुमार हो जाएगा, इस टाइप से बना के रजिस्टर हेयर पर क्लिक करिएगा फ्रेंड्स, तो आपका वह शो कर देगा, आ जाएगा आपको मोबाइल में ओटीपी चल जाएगा फ्रेंड्स, ओटीपी फिर वहाँ पर जो ओटीपी आएगा, ओटीपी आपका यहाँ से भर देना होगा, ओटीपी अपने यहाँ पर दिखाएगा, ओटीपी भरिएगा फिर वहाँ पर जो लॉगिन करिएगा तो आ जाएगा, खुल जाएगा, फिर यहाँ लिख देगा सक्सेसफुल, फिर उसके बाद जो आपका मोबाइल में जाएगा यूजर आईडी जो वहाँ ऊपर जो लिखेंगे पासवर्ड उसी को लिख लीजिएगा और उसी के यहाँ डाल देना है, तो हम तो बना लिए थे, हम डालते हैं फ्रेंड्स, तो देखिए हम डाल रहा हूँ अपना पासवर्ड भी डालते हैं फ्रेंड्स, मेरा पासवर्ड हम पहले बना चुके हैं इसलिए हम डाल रहा हूँ, आप तो पहले बना लीजिएगा, बनाया हो तो ठीक है, कैपिटल में डालना है फ्रेंड्स, स्मॉल में नहीं लेगा। चलिए 7 हो गया, अब हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं, वो सॉरी नहीं लिया, भूल गया, बोल रहा है गलत है आपका, फिर से डालिए, तो चलिए देखिए खुल गया फ्रेंड्स, नेवर कर लेना है। तो यहाँ जाने के बाद आपको किस में जाना है इसको देखिएगा, सॉरी फ्रेंड्स थोड़ा सा आवाज में डिस्टर्ब हो रहा होगा, तो देखिए सबसे पहले आपका जाना है सर्विस में, यहाँ कुछ ना जाइएगा, यहाँ रखिएगा इसे तो अपने आप बहुत सारा ऑप्शन आएगा, तो सर्विस में जाइएगा, यहाँ देखिए हम रख दिए अपना कर्सर को, देखिए बहुत सारा ऑप्शन आ गया, तो इस ऑप्शन में से आपको कुछ नहीं आना, देखिए बीओसी स्कीम बेनिफिट, इस पे जाना है आपका, बीओसी स्कीम बेनिफिट जाइएगा डायरेक्ट, तो यहाँ लिखेगा ऑनलाइन रिक्वेस्ट फॉर्म और चेक द स्टेटस, तो हमको क्या करना है, तो इस पे जाना है अपना पे ऑनलाइन पे, ऑनलाइन पे जाइएगा फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ खुल जाएगा, बोल रहा है अपना बोल रहा है आधार नंबर डालिए, तो ये तो स्कीम फॉर्म, तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, अपना लाभ भी भर सकते हैं, तो मैं अल्लाह वाला अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि तो मेरे आपको सिर्फ आधार से चेक करना है अपना लेबर कार्ड की, लेबर कार्ड बना है या नहीं बना है जो भी, हम से पता लगा सकते हैं घर से अपने बैठे, उसके बाद जिसको दिए होंगे बनाने के लिए उससे जाके मिलिए, अपना आईडी से निकालेगा, यूजर आईडी से निकलेगा थोड़ी ना, यहाँ से आपको प्रिंट आईडी कार्ड नंबर जो होता है रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा ओरिजिनल वाला, ये मैं बता दे रहा हूँ, तो आधार कार्ड नंबर आपको सर्च मारना है, जैसे जो डालने देखिए मेरा आधार कार्ड, हमें एक आधार कार्ड ले लिए हैं, उसको बनाए कि ना पता चल जाएगा, तो मैं वो भी दिया बनाने चेक करने के लिए कि देखना, तो हम चेक कर दे रहे हैं, 727 है, 24 है, 8084888, देखिए आधार कार्ड ले लिए, सर्च इस पर क्लिक करेंगे
यहाँ सर ऑप्शन आ जाएगा बना होगा तो देखिए लिख रहा है गिवेन आधार इज नॉट रजिस्टर्ड, ये मतलब ये आधार कार्ड नहीं बना है, चलिए नो प्रॉब्लम। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो नहीं बना है, तो चलिए आपको हम एक डेमो दिखाता हूँ। पहले देखिए इसमें ऑनलाइन किए हैं वो कार्ड, तो मैं उसी के आधार लेता हूँ ना, सॉरी खोल लेता हूँ, ले लेते हैं जैसे कि यहाँ नया बना इसलिए नया बता रहा है, किसी को बना हुआ होगा तो उसी को लेना होगा। मैं देखिए अपना अलग से लेता हूँ, चलिए देखिए डालता हूँ आधार नंबर 8282994353988880833। तो हो गया आधार नंबर, अब यहाँ सर्च मारेंगे देखिए ऑप्शन आ जाएगा ये बना हुआ है। देखिए आ गया फ्रेंड्स, देखिए ये है बी ओ सी रजिस्टर, ये है ओरिजिनल नंबर, ये आपका है सो ही नंबर चलेगा आपका, हर लाभ में जो भी भरिएगा यही खोजोगा हर एक चीज़ में, ये नंबर ले जाएगा तो वहाँ से सर्च मार को निकाल भी देगा। तो देखिए COW7DN2017 बना है, एफ है मतलब फीमेल होता है, जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर ये हो गया आपका। यहाँ से बोल रहा है नाम एप्लीकेंट का नाम आ गया है, उसके पति का या पति का जो भी पिता पति फादर मदर फादर हस्बैंड का नाम आ गया है, और ये बोल रहा है डेट ऑफ बर्थ आ गया, बस इतना ही काफ़ी। इसको आप अपने डायरी में नोट कर लीजिए, हाँ आप दिए थे लेबर कार्ड बनाने के लिए, वहाँ जाकर बोलिए कि मेरा ये है इसको निकाल दीजिए, तो निकाल देगा, इसी से भी आपका काम लमसम होगा, मेन यही है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, मैं यही आज बताना चाह रहा था कि जो लेबर कस्टमर तो उसके कैसे क्या प्रोसेस, तो मैं तो बता दिया हूँ। चलिए अब वीडियो बंद करते हैं फ्रेंड्स।